बेटियां ही नहीं बल्कि बेटों को भी है अब हैवानों से खतरा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनपद बाराबंकी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां कुछ दिन पूर्व एक मासूम जो 12 वर्ष का था उसकी हत्या कर दी गई। आज बाराबंकी पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिन अभियुक्तों के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने उस 12 वर्षीय मासूम का दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की थी। गहन पूछताछ और बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट किया गया, इसमें गहन जानकारियां इकट्ठी की गई सीडीआर सर्विलांस के माध्यम से, मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से और बहुत सारे प्रक्रिया अपनाते हुए काफी प्रयास किया गया और उसके बाद ये दो अपराधी जिसमें वसीक और रोहित ये प्रकाश में आए। जब ये इनसे गहन पूछताछ की गई तो ये इन्होंने बताया कि 30 तारीख की शाम को करीब 6 बजे शिवनाम मंदिर के पास बैठ करके ये लोग गांजा पी रहे थे। उसके बाद एक लड़का इनको साइकिल से आता हुआ दिखाई दिया तो ये लोग अपने नशे में थे और उसके बाद उस लड़के को रोके और उसको कोल्ड ड्रिंक का लालच दे करके कि चलो तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं दूसरे स्थान पर लेकर गए। वहाँ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाया इस लड़के को और उसमें भी कुछ नशा मिला दिया। उसके बाद इन लोगों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जो वसीक है उसने लड़के को उठाया और रोहित जो है उसने बरगद के पेड़ के बराह से फंदा गले में डाल दिया और उसके बाद इसको लटका दिया, एक आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। इन लोगों ने बुरा काम किया और उसके बाद हत्या करके पेड़ से लटका दिया। अब ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों देखा आपने, बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इन दोनों युवकों के द्वारा उस मासूम से बच्चे की जान ली गई। क्यों? क्योंकि इन दोनों युवकों ने नशे की हालत में उस बच्चे का दुष्कर्म किया था। इन दोनों की पहचान उजागर न हो पाए इसलिए उस बच्चे को बरगद के पेड़ से लटका दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। समाज में कहीं न कहीं इस प्रकार के अपराध अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि बेटियों के साथ साथ अब बेटों को भी हैवानों से बचाए जाने की जरूरत है। समाज में इस तरह के अपराध क्यों घर कर रहे हैं, लोग इस तरह के अपराध क्यों कर रहे हैं, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाराबंकी के समाज सेवी सुजीत चतुर्वेदी जी। हम उनसे बात करेंगे और इस मामले पर जानेंगे कि उनकी राय क्या है। सुजीत चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। धन्यवाद जी। सुजीत जी, अभी हाल ही में एक घटना हुई थी बाराबंकी के लोनी कटरा थाने में, जहां पर एक 12 वर्षीय मासूम का दुष्कर्म किया गया है। बाराबंकी पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है जिसमें पुष्टि हुई है कि उस मासूम के साथ दो दरिंदों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी जान ले ली। इस विषय पर हम आपसे बात ये करना चाह रहे हैं कि कैसे ये अपराध जो है, जैसे समाज में जो एक बात थी कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन कई दिनों से समाज में देखा जा रहा है कि बेटे भी सुरक्षित नहीं है। कैसे ये अपराध बढ़ रहे हैं, क्या लोगों की मानसिकता है? और जो सबसे बड़ी बात थी, जैसा कि बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि इन युवकों ने नशा भी किया हुआ था, क्या प्रमुख कारण ऐसे हैं जिन कारणों से ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप जरा प्रकाश डालिए। देखिए निवेश जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन सब चीजों के पीछे मुझे तीन पैरामीटर लगते हैं, तीन कारण लगते हैं। जी जी। पहला कारण है अच्छी शिक्षा। जी जी। अच्छी शिक्षा का मतलब ये है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो किस तरह का वातावरण डेवलप कर रही है समाज में। जी जी। अच्छी शिक्षा केवल कमरे में बैठ के शिक्षा देना नहीं है। जी जी। उस शिक्षा के उद्देश्य जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, जो हमारी शिक्षा नीति में आए हैं, वो उद्देश्य पूरी तरीके से पारित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा, सरकार लगी हुई है नशा उन्मूलन में। आपने बताया कि वो लोग नशा किए हुए थे, तो जब नशा जब सवार होता है तो उस समय सारे सदाचार, सारी इज्जत बेइज्जती, सारे अनुशासन एक किनारे रख दिए जाते हैं। और तीसरा पैरामीटर है सबसे जरूरी, हैवानियत वाला जो बात हो रही है कि जिस तरह का दरबंदगी का जो काम किया गया है वो हैवानियत है। और जब आदमी पर हैवानियत सवार हो जाती है तो वो, आपने कहा ना कि बच्ची नहीं था, बच्चे के साथ किया गया। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। जो हैवानियत है वो लिंग निर्धारण नहीं करती। तो एक तो जो है, एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, एक तो अशिक्षित, दूसरा नशा किए हुए और तीसरा हैवानियत। इन तीनों चीजों ने जो उसके उन दरिंदों के सर पर चढ़ के बोला है, तो उसके लिए चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अब तो लोग जानवरों को भी नहीं छोड़ते हैं। जी जी बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी आपका।